भारतीय टीम में चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह जडेजा को अंतिम 11 में शामिल किया गया। जडेजा ने 14 महीनों बाद भारत के लिए वनडे मैच खेला। उन्होंने पिछला वनडे पिछले साल 6 जुलाई को किंगस्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेला था। जडेजा 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अपनी दूसरी गेंद में उन्होंने नो बॉल फेंकी, जिस पर मुशफिकुर रहीम ने एक रन लिया। अगली गेंद फ्री हिट थी, इस पर शाकिब अल हसन कोई रन नहीं ले सके, लेकिन अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दिया। अंपायर का कहना था कि पावर प्ले के दौरान 30 गज के दायरे से बाहर दो या ज्यादा क्षेत्र रक्षक थे। अंपायर के इस फैसले पर कप्तान रोहित शर्मा नाराज दिखे और उनकी अंपायर के साथ कुछ देर बहस भी हुई। मामला शांत होने पर जडेजा गेंदबाजी पर लौटे। बांग्लादेश को एक बार फिर फ्री हिट मिली, जिस पर शाकिब ने चौका जड़ दिया। शाकिब ने अगली ही गेंद भी 4 रन के लिए भेजी। बता दें कि सुपर फोर के पहले ही मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदकर अच्छी शुरुआत की। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 173 रनों के स्कोर पर रोक दिया। भारत की तरफ से जडेजा की गेंदबाजी शानदार रही और उन्होंने 4 विकेट झटके। इसके अलावा भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने भी 3-3 विकेट लिए। इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने के कप्तान रोहित शर्मा की नाबाद 83 रनों की पारी के दम पर इस टीम को 7 विकेट से हरा दिया। एशिया कप में भारतीय टीम की लगातार तीसरी जीत थी। अब सुपर 4 का अगला मुकाबला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेलना है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।